अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज जो है आज की वीडियो स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल इसलिए कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, और ये इतना बेसिक मेकअप है कि आप कहीं पर भी 5 मिनट्स में रेडी होना चाह रहे हो ना, 5 मिनट से पहले ही रेडी हो गए आप लोग लेट नहीं हो, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर एक्स्ट्रा यूज़ करनी है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अगर नहीं करनी तो बेसिक चीज़ें जो आप लोगों के साथ 4 से 5 शेयर करूँगी वो बहुत अच्छी हैं, और मैं सालों से वही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और जो सनब्लॉक है वो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उस पर मैं सनब्लॉक नहीं यूज़ करी। जो मैं बेसिक मेकअप यूज़ करती हूँ कहीं पर आने जाने के लिए, तो बेसिकली तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि मैं मेकअप नहीं करती, और आप लोग भी ना किया करो। जो स्किन होती है ना उसको ब्रीथ करने दिया करो, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है मेकअप तो करोगे, और किसी की भी स्किन ना फ्लॉलेस नहीं होती विदाउट मेकअप, ठीक है। कोई एक दो होगा, लेकिन वो एक दो इसलिए होगा क्योंकि उसने फेशियल्स अच्छे वाले लिए होंगे, ठीक है। बेसिकली हम जैसी ही स्किन होती है सबकी, और यहाँ पर आप देख लो मैंने कोई मेकअप नहीं यूज़ किया हुआ, ठीक है। अब मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ ना, आप लोगों ने एक दफ़ा लेना, और आप लोगों ने खुद ब खुद आप लोगों ने कहना है कि बार बार हम लोग यही चीज़ इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो स्किन प्रेप करूँगी मैं, ये निविया क्रीम से कर रही हूँ, ठीक है। मोस्टली जो है मैं इससे या फिर वैसलीन का पिंक वाला लोशन होता है उससे करती हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, थोड़ा सा ले लूँगी, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि मेरी जो है ना ऑयली स्किन है, आप लोगों की अगर ड्राई है तो आप लोग भर भर के लगाओ, ठीक है। थोड़ी सी ले ली, उसके बाद अच्छा इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो स्किन है ना उस पर जो बेस आप जो भी यूज़ करें उससे आपके पैच नहीं बनेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे एक अलग से ग्लो आ जाता है इस जगह पर, तो वो इसीलिए आता है कि जब भी आप यूज़ करो ना तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ किया करो, जो बचे उसको हैंड्स पे लगा लो, ठीक है। अब वर्थ बाइंग आपको बताती हूँ, ठीक है। आप लोग ना बेस की जगह बीबी क्रीम यूज़ किया करो, अगर डेली बेसिस पे आपने स्कूल जाना है या जॉब पर जाना है या ऑफिस जाना है, जो भी है आप लोगों की रूटीन, या आपने वैसे ही बच्चों को लेने जाना है लेकर आना है, तो अगर आप लोग डेली रूटीन में मेकअप यूज़ कर रहे हो तो आप लोग बीबी क्रीम यूज़ किया करो, या बीबी या सीसी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी बेस्ट बीबी क्रीम वो ये, ठीक है, फेयर लवली की, इतनी अच्छी है। अच्छा, कुछ लोगों को ना इससे जो है वो पैच बन जाते हैं, वो पैच क्यों बनते हैं क्योंकि वो मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते, ये थोड़ी सी ना ड्राई की तरफ जाती है, ड्राई है इसीलिए गर्मियों में बेस्ट है। बेस्ट कैसे है कि जब आप पसीना आएगा ना तो ये मेल्ट होके गिरेगी नहीं, ठीक है। सबसे अच्छी है ये, देख लो आप लोग, फेयर लवली की बीबी क्रीम है, ठीक है। क्या आपने करना है, थोड़ी सी लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैं रखती हूँ, आपको दिखा देती हूँ, चेक करो। अच्छा, इसमें कोई शेड शूट नहीं होता, ये एक ही कलर की होती है, ठीक है, हर स्किन टोन के लिए, और ये अपने हिसाब से ही उसमें ऑक्सीडाइज होकर वही कलर बन जाता है। आप लोगों ने ये लगा लिया। अच्छा, कुछ लोग अगर इसको मॉइस्चराइज़ किए बगैर लगाएंगे ना तो अच्छा, मैं तो ये जो हैंड है ना इसी से ब्लेंड कर लेती हूँ, आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ब्यूटी ब्लेंडर किसी और के इस्तेमाल करती हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा लगी है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लेना। अच्छा, इसमें आपको लग रहा होगा कि मैं जो है इसको ब्लेंड कर रही हूँ ज़ोर ज़ोर से, लेकिन मैं ज़ोर से नहीं कर रही, स्लो स्लो ही कर रही हूँ, ठीक है। पर जब शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं ना, तो हर काम वो तेज़ी से करने का लगता है, और लगता है जैसे आप हर चीज़, ठीक है। अभी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और नेक को कभी भी ना भूला करो, ठीक है, देख रहे हो, कहीं पर भी ना ये पैच नहीं बनाती अगर आपने इसको किया हो अच्छे से मॉइस्चराइज स्किन को। ये देखो, देख रहे हो, और अच्छी खासी इसकी जो है ना, ये देखो यहाँ पर आपको पहले जो है वो पिगमेंटेशन नज़र आ रही थी, अब नहीं आ रही, ठीक है। और ये करके अभी आपने इसको टाइम देना, बाकी जो एक्स्ट्रा वो मैं हैंड पे लगा लेती हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना ब्लश, ठीक है।
यहाँ पर जो ब्लश है ना मेरे पास नार्स का भी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा ब्लश अच्छा लगता है तो आप लोग क्या करो, थोड़ा सा लो इस तरह से, ये थोड़ा सा भी ना जो लिक्विड है, ये इतना सा भी ना, इतना सा डोड़ भी, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको इस तरह लिया, ठीक है, ये देखो इसको ब्लेंड कर, चेक कर इसका जो कलर है ना बहुत अच्छा। मैं जब से ये लिया है ना, आपका सालों साल नहीं ख़त्म होगा जितना अच्छा इसका कलर है। एक्सपायरी हो जाएगी इसकी डेट पूरी, लेकिन इसका मटेरियल नहीं ख़त्म होगा। ये देख रहे हो वो डॉट वहीं का वहीं है, और इतना इतना सा लेने के बावजूद भी वो अच्छा खासा अप्लाई हुआ। अच्छा, मैं कंटोरिंग नहीं करती बेसिकली, क्योंकि मेरा फेस पहले ही पतला है, ठीक है। ये देख रहे हो ये डॉट्स वहीं के वहीं हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको इस तरह आइस पे लगा लूँगी। बहुत गुड टू गो वाला मेकअप, ठीक है। इस तरह किया, अब ये ना ये आप कहीं पर रख दो, ये आपने, ठीक है, इस तरह किया और आइस के नीचे का, ठीक है। देखो एक सटल सा पूरे फेस पर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा नोज पे काम कर रहा है, ताकि जो बेस है ना वो बालों के साथ चिपकी भी ना हो, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैं इस तरह डैप डैप करके और लगाऊंगा, क्योंकि अभी जो मेकअप है ना वो लाइट भी होगा, ठीक है। देखो चेक करो इसका कलर, चेक करो आप, ठीक है। इससे ना आपको कंटोर नहीं करना पड़ता, ठीक है। जो बचे उसको आप इस तरह से लगाओ, ठीक हो गया। अब मैं करूँगी अपनी आईब्रोज। आईब्रोज के लिए ना आपने कभी भी आपने आईब्रोज को ये नहीं करना कि ये और ये सेम लगे, ठीक है। ये कोई बहने तो है नहीं, और बहने भी जो होती है ना वो एक दूसरे से अलग ही होती है। तो आपने क्या करना है, मेरे पास ये है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है आईब्रो पैलेट, तो आपने क्या करना है, कोई भी ब्लैक शेडो और ब्राउन शेडो, ये देखो इस तरह से और इस तरह से, इसको लिया और इसको लिया, थोड़ा सा इस तरह कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पहले इस एरिया को जहाँ पर आपके बाल हैं उसको फिल किया, ये देखो ज़रा भी आपको ब्लैक कलर एक्स्ट्रा नहीं नज़र आएगा। जो बच गया उसी को लेके इस जगह पर, ये देखो चक्कर, मतलब एक्स्ट्रा नहीं आपको लगेगा कि हाँ जी आपने बनाई हुई है। वो जो ब्लैक कलर कर देती है ना वो बिल्कुल ऐसी ड्रोनी लगने लग जाती हैं आईब्रोज, चेक कर, ये देखो। फिर क्या करना है, ब्लैक लेना है, ब्राउन लेना है, डैप करना है, जहाँ पर ज़्यादा बाल है वहाँ पर लगाना है, फिर जहाँ बाल नहीं है वहाँ से शेप बनानी है पहले, ठीक है। जो फ्रंट है ना उधर एंड पे लगाना है, क्योंकि वो लाइन जो लगी हुई लगती है ना वो बहुत बुरी लगती है, ठीक हो गया। अब जो बच गया वो ये देखो, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, ये देखो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, देख रहे हो। और आईब्रो हमेशा बनाया करो मेकअप के साथ, वो ऐसा लगता है, वरना कि आपने ना, अच्छा पहले मैं जो है ना चैपस्टिक लगा लेती हूँ, मेरे जो लिप्स हैं ना फट जाते, ठीक है। मैं ये नॉर्मल 100 रुपी की है, ठीक है, लिप बाम कोई भी आप ले लो, नहीं है तो वैसे ही ले लो, ठीक है। वो लगाई और उसके बाद जो है, ये सिर्फ 3 से 4 चीज़ें हैं, ठीक है। ये लिपस्टिक है और ये है ज्वेला की 118, ठीक है, यहाँ से नज़र आ रहा होगा ज्वेला की, 118, ये देखो ये इसका शेड है, बहुत प्यारा शेड है, ठीक है। मैं यही लगाती हूँ, जो एक्स्ट्रा हो उसको पहले ऊपर लगाओ फिर उसके बाद,
अच्छा नॉर्मल रूटीन में ना कभी भी क्या कहते हैं उसको लिप लाइनर मैं तो नहीं लगाती, आप लोग चाहो तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग फेस पाउडर लगाते हैं, मैं फेस पाउडर नहीं लगाती क्योंकि जो उसका ग्लोई ग्लोई लुक होता है ना वो मुझे लगता है जैसे गायब हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं क्या लगाऊँगी, मेरे पास ये ब्लश ऑन की किट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैं ये यूज़ करती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, ख़त्म भी हो गया, ठीक है। उसको ये ऐसे लगाया, डैब किया और पूरे फेस पे ये फेर दिया, ठीक है। इससे आपकी जो बेस है ना वो भी एक्स्ट्रा नहीं लगती और कहीं से भी ना वाइट कलर नहीं नज़र आता। देख रहे हो कंटोरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो एक वाइट वाइट सी कास्ट थी ना वो ख़त्म हो गई, ठीक है। बस मैं तो नॉर्मली यही चीज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप हाइलाइटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास ये है, ठीक है, हाइलाइटर, ठीक है। आप लोगों के पास अगर पैलेट फॉर्म में है तो भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग आई शेडो पैलेट निकालो, उसके अंदर जो इस कलर का शेड होगा ये वाला शेड निकाल के, इस कलर का जो शेड होगा वो निकाल के आप लोग शेड से कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा आज का नहीं है। ये देखो, ये देखो इसका टेक्स्चर चेक, ये इतना नेचुरल लगता है, देखो बहुत नेचुरल है, मैं आपको लगा के दिखा दूँ। चेक ग्लो देख रहे हो, ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप एक दफ़ा ले लोगे, आपका बहुत अच्छा चलेगा। ये देखो इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, मोस्टली जितनी क्रीमी चीज़ें होती हैं ना बहुत अच्छी चलती हैं आपकी, देख रहे हो लगा, ठीक है। और आपने उसके बाद यहाँ पर लेना है, ठीक है, अगर आपको आईज़ को ब्राइट करना है तो आपने ये एकदम से जो आईज़ होती है ना वो बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। आप इस आईज़ में और इस आई में दोनों में देखो फ़र्क, ये देखो ये एकदम से बड़ी बड़ी लगने लग जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक फिंगर की हेल्प से आपने इस तरह से लगा देना है। बच्चों की आवाज़ों को आपने इग्नोर करना क्योंकि भाई बच्चों वाला घर है, ठीक है। ये जी मेरी फाइनल लुक, अब मैं आपको बाल बना के फिर आपको दिखाती हूँ, पहले आप साइड से मेकअप देख लो, ठीक है। ये देखो कहीं से आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल है। फिर पहले मैं बाल बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और इसी वीडियो के बाद जो है ना मैं आप लोगों के साथ फ्रेंच ब्रेड का एक ट्यूटोरियल शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, होगा इसी ड्रेस में लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, तो आप लोगों ने वो ज़रूर देखना है। जिन लोगों को फ्रेंच ब्रेड नहीं ना बनानी आती उन लोगों के लिए, अव्वल मुझे आती है लेकिन सिर्फ मैं महक के बालों में बना पाती हूँ अपने बालों के लिए, तो मैं वो ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। और आज का मेकअप आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताना है और शेयर ज़रूर करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आप लोगों ने बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। ये मेरा आज का मेकअप था, देखो कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, ये देखो कहीं से भी ना वो पैच नहीं बना, ठीक है। तो याद रखना अल्लाह हाफिज, पर फिर भी आपको फाइनल लुक ज़रूर दिखाती हूँ फेस स्टाइल बना। अब ये देखो लग रहा है ना फ्रेंच ट्रेल ब्रेड बनाई हुई, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।